नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो लखनऊ में आज सीएम योगी के सामने कई विभागों ने प्रस्तुतिकरण दिया है। सीएम योगी ने ग्राम विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन देखा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खाका प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि ग्राम विकास, पंचायती राज, राजस्व विभाग का ये प्रेजेंटेशन हुआ है। शाम को नमामि गंगे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का प्रेजेंटेशन होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। लखनऊ में लगातार सीएम योगी जो है अलग अलग विभागों का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, और आज भी प्रेजेंटेशन जो है वो सीएम योगी ने देखा है। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे लखनऊ से संवाददाता तौकीर खिदवाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, लगातार सीएम योगी अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जहां पर कुछ कमी है उसे लेकर आदेश दे रहे हैं। तो आज क्या कुछ खास रहा और आगे क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, तीन बातें इसमें अहम है, तकनीक, रोजगार और विकास। इन्हीं मुद्दों को लेकर ये सभी विभागों का प्रेजेंटेशन देखा जा रहा है। 30 मिनट का समय मिलता है जिसमें सचिव और प्रमुख सचिव रैंक के जो अधिकारी हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स का खाका तैयार करके बताते हैं कि आने वाले दिनों में आखिर वो क्या करने वाले हैं। पहले तो 100 दिन का, फिर 6 महीने का और 1 साल का, उसी का पूरा पूरा प्रेजेंटेशन होता है कि इन दिनों में वो क्या करने वाले हैं, उनके डिपार्टमेंट क्या खास होने वाला है और आम जनता को कैसे जो विभाग है वो राहत देने वाले हैं। तो फिलहाल इसी को लेकर कई दिन से लगातार एक कार्यक्रम चल रहा है। सभी विभाग अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। आज भी करीब 5 विभागों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है और शाम को भी फिर नमामि गंगे के तौर पर जो विभाग है वो अपना प्रेजेंटेशन देगा कि आने वाले समय में जो नमामि गंगे को लेकर जो साफ सफाई का कार्यक्रम है या जो जल बचाने का कार्यक्रम है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल अभी जो जिन विभागों का हुआ है प्रेजेंटेशन, उसमें सबसे जरूरत जो जरूरी विभाग था उसमें धर्मार्थ कार्य से जुड़ा हुआ, और इसके अलावा कई ऐसे विभाग थे जिन्होंने आज अपना प्रेजेंटेशन दिया है। खास बात है कि मंत्री जो धर्मार्थ कार्य है, पर्यटन है, संस्कृति है और भाषा विभाग है जो इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। तो कहीं ने संस्कृति को सहयोजने की जो जरूरत है उसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया है। पर्यटन को कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सकता है इसको लेकर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कई ऐसे दिशा निर्देश भी जारी किए हैं प्रेजेंटेशन देखने के बाद, जिसमें उन्होंने कुछ मानक तय किए हैं, अब उसको भी पूरा करते हुए जो विभाग है अपने कार्य योजना को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, लेकिन तौकीर, लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं, सरकार बनी है, कैबिनेट का विस्तार हुआ है, अलग अलग मंत्रियों को प्रभार सौंपे गए हैं, उसके बाद से सीएम योगी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन देख चुके हैं, चिकित्सा विभाग का प्रेजेंटेशन देख चुके हैं, तो कितना असर इसका दिखता हुआ नजर आ रहा है? देखिये, ये सरकार का दोबारा गठन हुआ है, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं जो पहले से विभाग थे वो उन्हीं के दिशा निर्देशों पर काम करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहले के जो कार्य है वो उनके अनुरूपी होते आए हैं, तो फिलहाल उसको आगे बढ़ाने की भी कोशिश है। अब जमीन पर इसको ले जाना आसान होगा क्योंकि वही सरकार दोबारा सत्ता में आई है, तो जो पहले से काम चल रहा है तो उनको लगातार कोशिश की जा रही है कि वो आगे बढ़ाते रहे, और इसी के चलते जो प्रेजेंटेशन है वो भी जो पिछले काम हुए हैं उनको भी देखा जा रहा है और आने वाले जो काम होंगे, आने वाले दिनों में जो काम होंगे उसको भी लेकर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जमीन पे अब काम दिखने लगे हैं। तो फिलहाल ये जो 100 दिन है जो सभी मंत्रालय से मांगे गए हैं, जो सभी मंत्रियों ने अपना वादा किया कि 100 दिन में बहुत बेहतर करने वाले हैं, वो 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि अब 2024 का चुनाव भी है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी जो संख्या है वो वोट देती है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि पिछली बार भी करीब 75 ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और उसके पहले भी एक बड़ी संख्या में जीत दर्ज की थी लोकसभा की सीटों में। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है इनका काफी बड़ा किरदार सामने आता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत नजर आती है मिलती हुई। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कहा कि पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों में कोविड के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एनसीआर के जिलों में भी इसका प्रभाव है। पिछले 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 103 और गाजियाबाद में 33 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। एनसीआर के जिलों और लखनऊ में सभी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क व्यवस्था लगाने की गई है और इसे प्रभावी ढंग से लागू भी किया गया है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर भी अलर्ट रहने को कहा गया है। एनसीआर के जनपदों में टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित करने की भी बात कही गई है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए, तमाम दिशा निर्देशित यहां पर किए गए हैं।
राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के घर पहुंचे। यहां पर उन्होंने आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। जयंत चौधरी की आजम खां के बेटे और पत्नी से ये मुलाकात मौजूदा हालातों में प्रदेश का सियासी पारा बढ़ाने वाली नजर आ रही है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद आजम खां के सपा को अलविदा कहने की आशंकाओं की चर्चा ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है। हालांकि जयंत चौधरी ने इस मुलाकात को पारिवारिक बताया और कहा कि रामपुर आए थे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वह आजम खां के परिजनों से मिले। जयंत चौधरी ने कहा कि हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा है और हम गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। जब परिणाम अच्छे नहीं आते तो ये चीजें होती हैं और लोग सवाल करते हैं, आगे रास्ता सकारात्मक ही निकलेगा। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के बाएं हाथ की फो आर्म की दोनों हड्डियों का आर्थोसर्जन डॉक्टर राकेश ने ऑपरेशन किया। हमले के दौरान आरोपी मुर्तजा की दोनों हड्डियां टूट गई थी। दरअसल पुलिस मंगलवार को मुर्तजा को लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी। उसे प्राइवेट वार्ड नंबर 8 में भर्ती करवाया गया था। भर्ती होने की औपचारिकता पूरी होने के बाद उसके बाएं हाथ का एक्सरे करवाया गया और ब्लड जांच भी की गई। हीमोग्लोबिन, मधुमेह, रक्तचाप, किडनी, लिवर, हार्ट, हेपेटाइटिस और एचआईवी की रिपोर्ट सामान्य आने के बाद ऑपरेशन किया गया, जो लगभग सवा घंटे तक चला। उसके हाथ में दो इम्प्लांट लगाए गए जिसे स्वास्थ्य विभाग ने उपलब्ध करवाया था। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक और ऑर्थोसर्जन डॉक्टर अंबुज भी मौजूद रहे। हालांकि ऑपरेशन के दौरान किसी को ओटी के आसपास भी नहीं जाने दिया। ऑपरेशन के बाद मुर्तजा को प्राइवेट वार्ड नंबर में ही रखा गया था, जहां उसकी तबीयत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। गोरखनाथ हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को आज इसी जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। उसके हाथ फ्रैक्चर हो गया था, सुबह से उसका ऑपरेशन चल रहा है। इस समय डॉक्टरों की टीम मेरे साथ मौजूद है और आइए हम जानते हैं कि उसका इलाज कितना देर हुआ और कौन सी टीम की। डॉक्टर साहब, आज इलाज मुर्तजा अब्बासी का हुआ है, कितना देर चला ऑपरेशन उनका? भैया, 1 से 1.25 घंटे करीब ऑपरेशन चला है, जिसमें उसके बाएं हाथ की दोनों हड्डियां टूटी हुई थी, उसी में आज ऑपरेशन करके रॉड डाली गई है। दोनों हड्डियों में कितना देर चला है? 1 से 1.25 घंटा करीब ऑपरेशन हुआ है। अभी क्या उनके लिए कहा गया है? पेशेंट ठीक है, बिल्कुल पोस्ट ऑप केयर में, जैसे बेहोशी वालों ने अपने सामने रखा है, 1-2 घंटा वॉच करते हैं, उसके बाद वो वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा। वार्ड में फिर अपना रूटीन, जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं बीएसपी पे लिखे, वो हिसाब से फिर हमारा स्टाफ जो है उसको देखेगा। तो कोई मतलब हाथ में हड्डी क्या कोई फ्रैक्चर हुई थी क्या? दोनों हड्डियां टूटी थी, कोई लगी हुई है, कोई रॉड उठ पड़ा है क्या? रॉड पड़ा है उसमें, बाएं हाथ की दोनों हड्डियां टूटी थी जिसमें रॉड पड़ा है, आज ऑपरेशन करके रॉड डाली गई है। डॉक्टर राकेश हैं, इन्होंने ही जो है ऑपरेशन किया है उसका। कितना देर चला है डॉक्टर साहब वो ऑपरेशन? लगभग 1 से 1.25 घंटा तक ऑपरेशन हुआ है। जी, क्या क्या मतलब हुआ ऑपरेशन में, मतलब क्या स्थिति है उसकी इस समय? क्योंकि ऑपरेशन पहले से प्लास्टर लगा हुआ था ताकि उसकी स्वेलिंग वगैरह खत्म हो जाए, और आज उनको ऑपरेशन के लिए सलाह दी गई थी, तो वो कल आए थे और उनकी सारी जाँच वगैरह हुई है, जाँच सामान्य है, सामान्य थी, और अभी आज उनको 10 बजे लगभग ओटी में ले जाकर ऑपरेट किया गया। तो कब तक उसको अभी रखा जाएगा यहाँ पे, या आगे क्या प्रोसीजर होगी? अभी लगभग अंडर ऑब्जर्वेशन, अभी 1-2 घंटे एनेस्थीसिया वाले रखेंगे, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट करेंगे। फुल जो उसका जो राउंड वगैरह है, इवनिंग राउंड जो होगा उसमें फिर देखा जाएगा, और हम अंडर मॉनिटर पर रहेंगे। ऑपरेशन के समय क्या नॉर्मल था या कुछ ऐसी स्थिति थी या कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब वो करेगा, जैसे कि लखनऊ में उसने जो है हाथ मार दिया था पुलिस के ऊपर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस वो अपने हड्डियों को लेकर परेशान था, पूछ रहा था कि इसमें क्या होना है, कैसे ऑपरेशन होगा, क्या पड़ेगा, उसको दर्द था थोड़ा, तो इसलिए ऐसा कुछ और बात कर सकते। तो आपने देखा कि डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे पूरी तरीके से उसका ऑपरेशन सफल हुआ है, लगभग 1.25 घंटे ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के दौरान उसकी स्थिति सामान्य थी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। इधर ताजनगरी आगरा भी कोरोना वायरस की चौथी लहर की आशंका और 2 दिन से लगातार सामने आ रहे नए संक्रमित मामलों को अलर्ट मोड में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग अब बाहरी पर्यटकों और लोगों पर विशेष नजर रख रहा है। बस अड्डों और स्टेशनों पर कोरोना की जांच को बढ़ा दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि अधिकारियों को शासन के दिशा निर्देशों से अवगत करवा दिया गया है। देखा गया कि जनपद आगरा में कोविड के केसों के में संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जहां 2 दिन पूर्व कोई भी केस नहीं थे, कल 5 केस आए हैं, जिनमें 3 विदेशी पर्यटक थे और 1 गुड़गांव से स्टूडेंट की आई थी और 1 यहां स्थानीय निवासी थी। आज जो गुड़गांव से आई थी
उनके ना मतलब जो परिजन हैं उनमें दो लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं। संक्रमण की गति तीव्र है और बाकी जिस तरह आप देख रहे हैं एनसीआर में केसों की संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि हो रही है और ये संकेत है कि हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्होंने एक नवीन दिशा निर्देश जारी किया है जिसके अंतर्गत जो एनसीआर का क्षेत्र है वहाँ मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। बाकी पूरे प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजबूत करते हुए कोविड से बचाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए गए हैं तथा साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है जो बच्चों का वैक्सीनेशन है जो बड़े लोग अभी बचे हैं बच गए हैं कतिपय कारणों से उनके वैक्सीनेशन के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम राजनीतिक विरोधी हों लेकिन आम लोगों में उनकी छाप एक कड़क मिजाज और एक कुशल प्रशासक की दिखाई दे रही है। सीएम योगी के अपराधियों पर कठोर कार्रवाई से जहां आम लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं तो वहीं ताज नगरी आगरा में सातवीं में पढ़ने वाली एक छात्रा उनको भगवान मानने लगी है। सातवीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के मन मस्तिष्क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली ने कैसा असर डाला है कि उन्हें भगवान मानकर अपने घर पर उनकी वो पूजा करती हुई नजर आई। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के कस्बा पिलखना में कानून से बेखौफ पति ने दहेज के लालच में पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला को गंभीर हालत में यहां पर देख आस पड़ोस के लोगों ने घटना की जानकारी महिला के मायके पक्ष को दी। मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में लिया है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति आए दिन दहेज में रुपयों की मांग करता था और इसलिए उसने मारपीट की है। अब पीड़िता ने इस पूरे मामले पर पुलिस से शिकायत की है जिस पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाई जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में कार्य किया जाए, इसे वर्क कल्चर में लाना जरूरी है, जल संचय की दिशा में सबको मिलकर काम करने की कोशिश है। ये कहना था धामी का। देखिए इस समय में टैंकरों से आपूर्ति हो, पेयजल लाइन के माध्यम से आपूर्ति हो, साथ में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन है, उस जल जीवन मिशन का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। हर जगह पर जो है जहाँ पर हमारे पाइप लाइनें लग गई है, टोटियाँ लग गई है, वहाँ पर पानी की सप्लाई नियमित रूप से हो, सुचारू रूप से हो और साथ में जल्दी से जल्दी जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो, 2023 तक 19 लक्ष्य को पूरा करें, इसके लिए हमने सभी बैठक की है। रुद्रपुर में प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जल्द ही हकीकत का रूप लेने वाला है, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। अब इसके बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभाग की समीक्षा बैठक की है जिसमें घोषणाओं के साथ ही योजनाओं की भी समीक्षा की गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सीएम ने बालिका स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अलग से कॉलेज निर्माण को लेकर घोषणा की और जैसे ही भूमि तलाश कर ली जाएगी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। खेल विभाग की बैठक ली और खेल विभाग में किस प्रकार से हम लोग अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ साथ में मुख्यमंत्री जी की जो खेल से संदर्भित उनकी घोषणाएं हैं उनकी भी समीक्षा की गई है। तो विभाग की ओर से ये प्रयास है, ये कोशिश है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाओं को हर प्रकार का सहयोग सरकार की ओर से मिल सके और विशेषतः मेरा भी फोकस है कि हम बालिकाओं को स्पोर्ट्स की दिशा में हम लोग और प्रेरणा दे सके और प्रोत्साहित कर सके। तो मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा है कि हम लोग बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो खोलेंगे और निश्चित रूप से हम सबकी तैयारी भी उस ओर है और हम लोग रुद्रपुर में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज हम लोग खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में हम लोग खेल यूनिवर्सिटी के लिए भी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उस ओर भी प्रयासरत हैं। उत्तराखंड के जंगल में इन दिनों आग की जो खबर है वो लगातार मिल रही है। आग की लपटों से कई हेक्टेयर वन भूमि को नुकसान हुआ है। इसे लेकर विभागीय अधिकारी अभी सिर्फ अपनी तैयारी में लगे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आग लगने की घटनाओं के लिए जरूरी इंतजाम जारी है, साथ ही संबंधित विभागों को भी दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। कल उस पर भी हमने चर्चा करी है और उसके लिए भी जो है जो जरूरी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। जो आग लग रही है उस आग को कम करने के लिए, उसको बुझाने के लिए।
उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की मदद से राज्य में एक अनुसंधान बनाने जा रही है, ऐसा कहना है सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का। जी हाँ, उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थितियां रहती है और पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में अगर पहले से ही इस तरह के ऑफिस बन जाएंगे तो पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड महत्वपूर्ण राज्य है, इसे लेकर एक ऐसा अनुसंधान बनाया जा रहा है जो आपदा से पहले बता सके कि कहां पर और किन क्षेत्रों में आपदा आने वाली है, ताकि आपदा से लोगों को बचाया जा सके, साथ ही पर्यटकों को भी हताहत होने से पहले सूचित किया जा सके। देखिए, हमारा प्रदेश जो है बहुत ही विभिन्न कठिन भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है और प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी आपदा का, किसी न किसी इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है, या ग्लेशियर से संबंधित चीजें हैं, या भूस्खलन है, इन सभी का हमें सामना करना पड़ता है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, उसको लेकर अभी हम जल्दी और भी, हमारा जो एक अनुसंधान केंद्र है, हम अनुसंधान केंद्र बनाने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है और जल्दी से जल्दी उस पर काम होगा। और जो ग्लेशियर से संबंधित आपने चिंता व्यक्त की है, उस पर भी हमारे लोग जो है। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।